प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व तो वाला भारत आज का आत्मनिर्भर भारत ऐसे भारत को कोई प्रेशर कर नहीं सकता है? है? क्या को, कोई प्रेशर कर नहीं सकता किसी प्रकार के प्रेशर में भारत निर्णय नहीं लेता है, <laughs> पता है ना आप सबको नहीं <laughs> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व तो वाला भारत ऐसे भारत को कोई प्रेशर कर नहीं सकता किसी प्रकार के प्रेशर में भारत निर्णय नहीं लेता है जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए <laughs> समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना नहीं आइए <laughs> <laughs> हाँ हाँ। दोस्तों मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मोदी साहब की तारीफों में कुछ ऐसा बोल गए जिसे शायद वो अकेले में सोचेंगे तो उन्हें भी जरूर हंसी आएगी अब आप इस तारीफ को चापलूसी समझेंगे या गुणगान ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है लेकिन पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि रेल मंत्री पद से आगे बढ़ते हुए पीयूष गोयल साहब मौजूदा वक्त में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ कपड़ा एवं खाद्य आपूर्ति मंत्रालय जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन हैं अब ऐसे में मोदी साहब की बरसी कृपा का कर्ज कैसे ना कैसे उतारना तो पड़ेगा ही मजबूरी में ही सही यशस्वी उजस्वी तेजस्वी भगवान का अवतार साहब को तो बताना पड़ेगा ही अब इस वीडियो में पीयूष गोयल चापलूसी कर रहे हैं या मजबूरी में बोल रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा लेकिन मोदी साहब की तारीफ में कह रहे हैं मोदी का भारत मोदी का नया भारत ना ना किसी के ना किसी के के सामने झुकता है, ही प्रेशर या दबाव में काम करता है, दोस्तों अब इस बात में कितना दम है आप इसी एक अकेली खबर से ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर के मुसलमान मोदी की भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर हो हल्ला मचाते रहे दस दिन तक लगातार शर्मा पर कार्रवाई की मांग करते रहे लेकिन न ही किसी के कान पर झूड़ेंगी और न ही साहब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई लेकिन जैसे ही ये मामला सीमा पार खाड़ी के इस्लामिक देशों तक पहुंचा, प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई तुरंत नूपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से बहिष्कृत कर दिया अब इसे आप खाड़ी देशों का दबाव मानेंगे या डर मानेंगे या फिर मजबूरी आप पर है लेकिन एक बात तो है कि देश के अंदर किसी की भी बात ना मानने वाले साहब को देश के किसानों ने अंततः झुका ही दिया था किसानों के दबाव के चलते साहब को कृषि बिल रद्द करना ही पड़ा सीमा की बात करें तो रोज नई खबरों में खुलासा हो रहा है कि चाइना हमारे देश की सीमा में अवैध निर्माण लगातार करते ही जा रहा है लेकिन दबाव में काम न करने ना झुकने वाले साहब कहते हैं न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है ही कोई गुस्सा हुआ है न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है बंद करो हाथ जोड़ के मैं, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता एक यूजर ने लिखा बकवास करने में माहिर और कठपुतली भी हैं। बोलते हुए भी इनको हंसी आ रही है खाड़ी देशों के विरोध के बाद ही नूपुर शर्मा को पार्टी से निकालकर अराजक तत्व बोल दिए प्रेशर किसका था चाटुकारिता की पराकाष्ठा पर खड़े नेताजी बिना प्रेशर कुकर के ही दाल बना रहे हैं पीयूष गोयल जी आपकी अंतरात्मा मर चुकी है सर जी कृपया आप नरेंद्र मोदी जी का दलाली ना कर भारत के जनता के बारे में सोचिए पीयूष गोयल को ये बोलने में भी कितना प्रेशर लग रहा होगा यार ये किसान बिल कैसे वापस ले लिए थे मोदी ने इतना प्रेशर था कि बच्चे की जान ही निकलने वाली थी चीनी अतिक्रमण के ऊपर चीन के डर से जिस छप्पन इंची फट्टू बहादुर के मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकलता उस फट्टू बहादुर के बारे में क्या कोई कहे दोस्तों अब खाड़ी देशों के सामने मोदी ने भारत को क्या हाल कर दिया है चाइना के सामने क्या हालात कर दिए हैं आप समझ रहे होंगे लेकिन बावजूद इसके पीयूष गोयल की झूठी चापलूसी मोदी का ना झुकने वाला भारत आपको कितना यथार्थ लगता है हमें के वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार